अकबर आजम और उनके लिए अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस सदियों से चलती आ रही है, लेकिन इस बार लग रहा है कि बाबर आजम शायद इस प्रेडिक्शन को सही साबित कर दे। इंग्लैंड के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने बाबर आजम को लेके बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन की है। तो क्या ये पूरी खबर, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। नासिर हुसैन ने बाबर आजम को लेके एक बहुत बड़ी बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि साल 2024 बाबर आजम के नाम रहने वाला है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या दी ये आपको पढ़ के सुना देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज अ मैसिव ईयर फॉर हिम एंड पाकिस्तान, ही हैज गिवन अप कैप्टेंसी दैट मे बी द वेट ऑफ हिज शोल्डर। इसका मतलब ये है कि ये साल बाबर आजम के नाम रहेगा और इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम रहेगा। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है, उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है, तो कंधे से थोड़ा बोझ भी हल्का हो गया होगा। एंड लगता है कि बाबर आजम इस साल बहुत रन बनाने वाले हैं, इस साल का मतलब साल 2024 में, जो कि कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहा ये भी आपको जरा पढ़ के सुना देते, क्योंकि वहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। वहां पे लिखा हुआ है, द बिगेस्ट थिंग ही कैन डू फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट इज गेट शेड लॉट ऑफ रन, दे नीड हिम टू गेट रन, दे विल बी अ T20 वर्ल्ड कप इन द करेबियन, दे गॉट टू द फाइनल्स लास्ट टाइम, दे विल नीड देयर एक्स कीपर टू पुट इन अ रियल परफॉर्मेंस। उन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि बाबर आजम को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पिछली बार पाकिस्तान की टीम फाइनल्स तक पहुंची थी, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना है तो बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबर आजम के करंट फॉर्म की बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। इवन टेस्ट सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सामने चल रही है, वहां पर उनके रन नहीं निकल रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार बाबर आजम फ्लॉप हुए थे, एंड अब इन्हें मौका मिल रहा है न्यूजीलैंड टूर पे, जहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में बाबर को एक बार फिर मौका मिला है, और हो सकता है अपने आप को प्रूव करने का बाबर के पास ये आखिरी मौका हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि साल 2024 में बाबर आजम का फॉर्म अच्छा होगा या नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।